हाँ दोनों वाला काम चल रही थी। हाँ नादिर साहब के मोहन साहब के कैमरा तो बंद कर जी, कोई भी आप स्क्रीन में ज्यादा क्लियर कर साइड बंद यही। हाँ, कौन साइड चढ़ता है? अच्छा, इस्लामाबाद के चिश वाला रेजिडेंशियल बिल्डिंग तक हाईवे तक चीज। हाय द स्क्रीन जर था जायरो द स्लाइड बशुरू को कना स्क्रीन ता स्तखकारी मावला। हाँ ओस क्लियर था। मार स्क्रीन ना तखकारी। स्लाइड तखकारी स्लाइड। हाँ लगवा दे वेट। अच्छा उस दर्ता स्क्रीन खारी। हेलो तास तो मैं स्क्रीन खारी मौला। हाँ जी हाँ ना स्लाइड उस दर्ता खारी। अच्छा बस स्लाइड रुकू। हाँ स्लाइड शुरू कर ना दा लेक्चर नंबर 3 दा मुसरा नो ड्रीम वीक वाला दा दो लेक्चर ही मुखसी दा ड्रीम लेक्चर दा मुसरा दा लेक्चर चुकुम दा टरबाइन बारे के दा टरबाइन सते ठीक दा। पहला टरबाइन डिफिनीशन दा मशीन पा फॉर प्रोड्यूसिंग कंटीन्यूअस पावर इन व्हिच अ व्हील और रोटर टिपिकली फिटेड विद वेन्स इज मेड टू रिवॉल्व बाय अ फास्ट मूविंग फ्लो ऑफ वाटर स्टीम गैस एयर और अदर फ्लूइड्स। हाँ दा हो डिफिनीशन इंग्लिश की दादा यही चे मशीन चुकुम दा टर्बाइन चुकुमी मुग सरा दा दे जरिए सरा मगा एनर्जी प्रोड्यूस कवैशु ठीक दा। लका कुम एनर्जी प्रेशर एनर्जी जे मुगा तब्दीलू पे लकाइनेटिक एनर्जी के व्या काइनेटिक एनर्जी व्या मुगा छी के ट्रांसफर को इलेक्ट्रिकल एनर्जी के ठीक दा। नो दे पर्पस दे पारा चुकुम इक्विपमेंट इस्तेमाली की अगत से टर्बाइन ये दी टर्बाइन मेन काम दादा उसी मख के दिस मैकेनिकल एनर्जी इज यूज्ड इन रनिंग एन इलेक्ट्रिक जनरेटर व्हिच इज डायरेक्टली कपल्ड टू शाफ्ट ऑफ द टर्बाइन। लकदा खबर है उस पख्तू की मा तोकड़ा चिमगा पहला मुसर अच्छी शेवी प्रेशर एनर्जी भी लकद जी के मिसाल के तौर पर मुगे जेट लगा वाले नोजल दा हवा दी उबो वाला प्रेशर दा या हवा दा या गैस दा चिशेम दा ना आ प्रेशर जरिए सर चिकल उबो टरबाइन बंदे स्ट्राइक कीगी कल चिपलेगी गी नो अगत सकी आगा रोटेशन की आदि रोटेशन दी वजह ना ग एनर्जी प्रोड्यूस की आगा रोटेशन एनर्जी बेस के मुगा कन्वर्ट को दूसरा मुगा जनरेटर लगा वाले या इलेक्ट्रिकल जनरेटर के कन्वर्ट को दे मशीन ता दे इक्विपमेंट द से लेके की टरबाइन लेके की ठीक दा। उस मख के से 10 मैकेनिकल एनर्जी इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। नुक्का टरबाइन मेन काम से शोलो मेन काम में दा शोलो चे प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी की चेंज की बे काइनेटिक एनर्जी रोटेशन एनर्जी के रोटेशन एनर्जी फर्दर इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बे गम का फर्दर इस्तेमाल वेश ठीक दा। चा तो उस मसला नष्ट दा टरबाइन के।
خا مخکې دا کلاسیفیکیشن اف ټربائن، ټربائن ولا قسمونه دي، ٹھیک ده؟ نه چار قسمونه دي مسره اکارډنګ ټو ټایپ اف انرجی ایٹ انلیټ. دا مو سلاید کې دي، سلاید کې موږ صرف دا ڈسکس کو دي، دوه ټایپس دي، ٹھیک ده؟ دا به ڈسکس کو، او باقی دا دوسرا تیسرا چوتھا چدا دا موږ دکې نه ڈسکس کو، چونکہ زلا اردو کې درته ام چې دا ټول پی پوه شي کنه. دوسرا جو ہے اکارڈنگ ٹو ڈائریکشن آف فلو تھرو رنر، یہ ہم ڈسکس نہیں کریں گے. اور تیسرا جو ہے اکارڈنگ ٹو ہیڈ ایٹ دی انلیٹ آف ٹربائن، یہ بھی ڈسکس نہیں کریں گے. اکارڈنگ ٹو اسپیسیفک اسپیڈ آف ٹربائن، یہ بھی ڈسکس نہیں کریں گے. یہ ہمارے ساتھ بات کے ٹاپک ہے، اس میں کورس کانٹینٹ کے مطابق جو پہلا ٹاپک ہے یہ ہم ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے؟ تو یہ چار ٹائپس ہے اکارڈنگ ٹو کلاسیفیکیشن اس کیے ہے، ٹربائن کی کلاسیفیکیشن کیے گئے ہے. تو سب سے پہلا والا جو ہمارا ہے اس کی طرف ہم جاتے ہیں. نیکسٹ سلائیڈ جو ہمارے ساتھ ہے، پہلا والا کون سا تھا؟ اکارڈنگ ٹو پائپ آف انرجی ایٹ انلیٹ. اب یہ فردر کیا کہہ رہا ہے، فردر ڈیوائڈ کیا گیا ہے امپلس ٹربائن میں اور ریئیکشن ٹربائن میں، اور امپلس ٹربائن فردر پھر دو ٹربائن میں ڈیوائڈ کیا گیا ہے، اس سلائیڈ میں ہم پڑھیں گے. اور ریئیکشن ٹربائن کو بھی ہم اسکپ کرتے، یہ ہمارا نیکسٹ جو کمنگ لیکچر ہے نیکسٹ ویک کا، اس میں ہم ڈسکس کریں گے. آج صرف ہم امپلس ٹربائن ڈسکس کریں گے. امپلس ٹربائن جو پلٹن ویل ٹربائن ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو دوسری اس کے مزید ٹائپ سے وہ ڈسکس کریں گے، ٹھیک ہے. تو پہلے نمبر پہ کیا ہے، آن بیسز آف دی ٹائپس آف انرجی ایٹ انلیٹ ٹربائن کین بی کلاسیفائڈ انٹو ٹو ٹائپس، امپلس آر ریئیکشنس. سو اب ہے ہمارے ساتھ پہلے نمبر پہ امپلس ٹربائن. اب تھوڑا سا میں ڈائگرام کی طرف جاتا ہوں تاکہ آپ کو کلیئر ہو جائے، پھر تھیوری کی طرف آتا ہوں. یہ اس کا ڈائگرام ہے، ٹھیک ہے. اس ڈائگرام کو پہلے سمجھتے ہیں کہ اس کے مین پارٹس کیا ہے اور ہر ایک پارٹ کا کیا کام ہے، ٹھیک ہے. سب سے پہلے آپ کو جو یہ نظر آ رہا ہے نا، یہ گلائی والا لائن، ٹھیک ہے، اس کو ہم کہتے ہیں کیسنگ. جو یہاں پہ مینشن نہیں کیا گیا ہے، لکھا نہیں ہے، لیکن اس کو کیا کہا جاتا ہے، کیسنگ کہا جاتا ہے. یہ پروٹیکٹ کرتا ہے. اچھا، یہ پروٹیکشن کس طرح کرتا ہے، یہ پائپ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، یہ پائپ، اس کے ذریعے اس میں پانی انٹر ہوتا ہے. ایک منٹ اس کو لیتے ہیں، پھر یہ دوسرا کوئی آ رہا ہے، اچھا یہ ایڈمٹ ہو گیا. ہاں، اب یہ پائپ ہے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے، جس کو ہم پین اسٹاک کہتے ہیں. اس میں جب پانی آتا ہے، یہاں تک جب پہنچ جاتا ہے، تو اس کی اسپیڈ کو کم یا زیادہ کرنے کے لیے ہم نے ہینڈ ویل لگایا ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس کی مدد سے ہم اس کو زیادہ یا کم کر سکتے ہیں. اور اس میں پانی تیزی کے ساتھ آتا ہے، اس کا کافی زیادہ اسپیڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. اس میں جب پانی آتا ہے اس کا سپیڈ بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر سپیڈ نہ ہو نا تو یہ ٹربائن کو روٹیٹ آپ نہیں کر پائیں گے، صحیح ہے. تو اس میں سے جب پانی کا جیٹ نکلتا ہے، یہ پانی کا جیٹ ہے، جب یہ پانی کا جیٹ نکلتا ہے تو یہ جو لگایا ہے، یہ جو آپ کو نظر آ رہا ہے جو ریڈ ریڈ، اس کو ہم کہتے ہیں بکٹ. یہ بکٹ ہوتا ہے، یہ ہیمی اسپیریکل سائز شیپ کے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، جس طرح آپ کے ساتھ اسپون ہوتا ہے نا، چمچہ، اس ٹائپ کے ہوتے ہیں، اس کو بکٹ کہا جاتا ہے. اور اس کے درمیان میں جو ہوتا ہے نا، اس کو ہم روٹر بھی کہتے ہیں. ڈیفینیشن میں ہم نے روٹر پڑھا، اس کو ہم روٹر بھی کہتے ہیں اور رنر بھی کہتے ہیں. یہ اینٹی کلاک وائز موشن کرتا ہے، خلاف گڑی وار، ٹھیک ہے، خلاف گڑی وار موشن کرتا ہے، اور یہ گڑی وار سے موشن نہیں کر سکتا ہے. اب جب یہ جیٹ کا پانی جو ہے نا اس کے اوپر اسٹرائک کرتا ہے، تو اسٹرائک کرنے کے بعد یہ جو ایرو کا نشان ہے اس ڈائریکشن میں، یہ موومنٹ اسٹارٹ کر دیتا ہے اس فریشر انرجی سے. جس طرح میں نے بات کی نا کہ سب سے پہلے ہم ٹربائن کیوں استعمال کرتے، ٹربائن سے ہم انرجی پروڈیوس کرتے ہیں. کس طرح، اس میں جو پانی آ رہا ہے وہ کافی پریشر ہے، اس کا زیادہ پریشر ہے، تو یہ پریشر انرجی کیا کرتا ہے، یہ پانی جو ہے نا پریشر بناتا ہے. اب اس پریشر کے ذریعے یہ جب اس کے اوپر اسٹرائک کر دیتا ہے، اس کے اوپر لگ جاتا ہے، تو یہ پانی کا اسپیڈ اتنا زیادہ ہوتا ہے کہ یہ ٹربائن اس ڈائریکشن میں موومنٹ اسٹارٹ کر دیتا ہے. جب یہ موومنٹ اسٹارٹ کر دیتا ہے تو یہ حرکی توانائی پیدا کر دیتے ہیں، جس کو ہم کائنیٹک انرجی کہتے ہیں. اب یہ جب حرکت اسٹارٹ کر دیتا ہے، حرکت اسٹارٹ کرنے کے بعد یہ کیا ہو جاتا ہے، اس کے ساتھ ہم نے جنریٹر لگایا ہوتا ہے جو کائنیٹک انرجی کو چینج کرتا ہے. کس انرجی میں؟ الیکٹریکل انرجی میں چینج کرتا ہے، ٹھیک ہے. جب یہ اس طرح روٹیشن اسٹارٹ کر دیتا ہے تو اس پارٹ کو ہم رنر کہتے ہیں، اور یہ اینٹی کلاک وائز موشن ہے، اس کو ہم بکٹ کہتے ہیں، اس کو ہم کیسنگ کہتے ہیں. اور یہ پانی جو ہے نا، جب یہاں اس کے اوپر اسٹرائک کر دیتا ہے تو یہ دوبارہ نیچے آ جاتا ہے،
जब नीचे आ जाता है यह जाया नहीं होता है, ये यहाँ पे क्या हो जाता है, रहता है, स्टोर हो जाता है, जिसको हाँ टेलरेस कहते हैं। यहाँ पे ये स्टोर हो जाते हैं। एक दूसरे बंदी को लेते हैं, इसके बाद कौन है जो आ रहा है, हाँ ठीक है कोई नहीं है, अच्छा हाँ ठीक है, अनवर फराज। अनवर फराज आप किधर थे, आप लेट आ गए यार, डिस्टरबेंस क्रिएट आपने नहीं करना है, सही है। अच्छा दूसरा जो है, अच्छा इसको वाटर जेट क्यों कहा जाता है, वाटर जेट इसलिए इसको कहा जाता है कि क्योंकि इस पानी का स्पीड काफ़ी ज़्यादा होता है, और इसको हम स्पेयर कहते हैं। स्पेयर से हम रेगुलेट कर सकते हैं, पानी को ज़्यादा या कम छोड़ना है तो इसे हम रेगुलेट कर सकते हैं। ये नोज़ल होता है, नोज़ल, ठीक है, यहाँ से जब पानी निकलता है तो इसको, इस जगह को हम नोज़ल कहते हैं, और जिससे हम रेगुलेट करते हैं इसको हम क्या कहते हैं, स्पेयर कहते हैं, ठीक है। और ये फुल इसका जो जिसको हम क्या कह सकते हैं, टेल कह सकते हैं, तो ये हैंडवेल है, सॉरी हैंडवील है, ठीक है। और इस पोर्शन को हम पेनस्टॉक कहते हैं, और ये आपके साथ नोजल है। तो ये डायग्राम था। अब अभी आपने इससे क्या सीखा, आपने इससे ये सीखा कि प्रेशर एनर्जी जब आता है तो प्रेशर एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में, काइनेटिक एनर्जी फिर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाता है, जिससे हमारे साथ बिजली पैदा हो जाती है, ठीक है, एनर्जी पैदा हो जाती है। अब यही डिफिनेशन यहाँ पे उसने लिखा है, पहले बुलेट फॉर्म में लिखा है, क्या लिखा है, एम्पल्स टर्बाइन इज द वन इन विच द अवेलेबल हाइड्रोलिक एनर्जी एनर्जी इज फर्स्ट कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी बाय मींस ऑफ एफिशिएंट नोजल। ये कह रहा है कि इसमें जो टर्बाइन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, उस टर्बाइन में हमारे साथ जो हाइड्रोलिक एनर्जी होती है, हाइड्रोलिक क्यों कहा जाता है इसको, क्योंकि ये पानी की जो एनर्जी है, ये पानी की मदद से हम जो है ना ये एनर्जी पैदा कर रहे हैं ना, तो इसलिए इसको हाइड्रोलिक एनर्जी कहते हैं। तो ये फर्स्टली किस में कन्वर्ट हो जाती है, काइनेटिक, हर की तवानाई में हरकत पैदा करते हैं, मशीन घूमता है तो इस घूमने को क्या कहते हैं, हरकत कहते हैं, ठीक है, कि हरकत रोटेशन स्टार्ट कर देता है, बाय मीन्स बाय एफिशियंट नोजल, या एफिशियंट नोजल के जरिए ये काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाता है। अब हाई वेलोसिटी जेट इशूइंग फ्रॉम दी नोजल देन स्ट्राइक्स टू सीरीज ऑफ बकेट फिक्स्ड अराउंड दी रिम ऑफ व्हील रनर। अब ये कह रहे हैं कि इसमें जो बकेट है ये फिक्स्ड है, किसके साथ, रनर के साथ फिक्स्ड है, जब ये इसके ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं, लग जाती है पानी, तो पानी लगने से ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है, ये कह रहे हैं, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दी बकेट्स चेंज डायरेक्शन ऑफ जेट विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर। दी बकेट्स चेंज द डायरेक्शन, बकेट जो होते हैं, जो इसके बकेट है, ठीक है, वो चेंज कर सकते हैं डायरेक्शन को ऑफ जेट विदाउट चेंजिंग इट्स प्रेशर, प्रेशर के बगैर भी वो चेंज कर सकते हैं, क्योंकि ऊपर से भी हम एक नोजल लगा सकते हैं, ठीक है। अब क्या कह रहा है, द रिजल्टिंग चेंज इन मोमेंटम सेट बकेट एंड व्हील इन टू रोटरी मोशन एंड दस मैकेनिकल एनर्जी इज मेड अवेलेबल एट दी टर्बाइन शाफ्ट, ठीक है। फिर जब ये मैकेनिकल एनर्जी किसके जरिए, शाफ्ट के जरिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज हो जाती है। नेक्स्ट हमारे साथ ये इसका दूसरा डायग्राम है, इसमें भी आप देख सकते हैं, ठीक है, ये स्टॉपर है, ये हैंड व्हील है, स्पेयर है, रॉड है, सपोर्ट है, स्पेयर है, नोजल है, ठीक है, और ये ब्रेकिंग जेट। अच्छा ये चीज़ मैंने आपको नहीं बताई, ये ब्रेकिंग जेट किसको कहते हैं, बाज़ औक़ात इस तरह होता है कि जब ये रोटेशन स्टार्ट कर देता है तो अचानक से सडनली हमें कोई कह देता है कि इस टरबाइन को आप क्या कर दे, स्विच अप कर दे, यानी बंद कर दे, तो इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है, इनर्शिया उसमें पैदा हो जाता है, इसकी स्पीड इतनी ज़्यादा होती है कि अगर इस नोज़ल के पानी को हम बंद भी कर ले तो ये काफ़ी टाइम तक ये रोटेशन करता है। तो हम टाइम की बचत की खातिर हम क्या करते हैं, ऊपर से पानी छोड़ देते हैं खिलाफ डायरेक्शन में, तो ये इस डायरेक्शन में रोटेशन करता है, जब इस डायरेक्शन में हम पानी छोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाता है, एकदम से स्टॉप हो जाता है। तो ये ब्रेकिंग जेट इस पर्पस के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो ये जो है ना इसके मेन पार्ट्स थे जो कोर्स कंटेंट में दिए गए थे। अब यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इंपल्स टर्बाइन एंड रिएक्शन टर्बाइन प्रिंसिपल वर्किंग एंड डिफरेंस, ये मैंने बता दिया। बकेट, ये बकेट है, ये स्टेशनरी नोजल, स्टेशनरी इसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये फिक्स होता है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ ये आप देख सकते हैं, अच्छा ये जो रिएक्शन टर्बाइन है इसको हम अब नहीं छेड़ेंगे, ये वैसे मैंने डायग्राम में दिया है ताकि आपको कुछ ना कुछ अंदाज़ा हो जाए। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, रिएक्शन टर्बाइन जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है, इसमें डिटेल है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ये इंपल्स टर्बाइन के जो है ना ब्लेड्स है जो आपको नज़र आ रहा है, मूविंग
बकेट जिसको हम कहते हैं, ठीक है। और ये फिक्स्ड नोजल जो है वो आपके साथ शो किए गए हैं। बहरहाल ये डायग्राम है, ये ऑलरेडी हमने एक्सप्लेन कर दिया। ये भी इसका यही डायग्राम है, ये भी इसका डायग्राम है, ठीक है। इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन। हाँ, यहाँ पे एक डिफरेंस है थोड़ा सा, मैं आपको अगर बता दूँ पहले से। इम्पल्स टर्बाइन में जो होते हैं ये बकेट, ये फिक्स्ड यानी एक या दो या तीन से ज़्यादा होते हैं, और ये दो का कम्बिनेशन होते हैं, दो दो होते हैं, ठीक है। एक साइड से भी हाफ स्पून होता है, दूसरी साइड से भी हाफ। लेकिन जो रिएक्शन टर्बाइन होता है उसमें भी इस तरह ये फिक्स होते हैं, लेकिन उसमें ए दो के बजाय एक होता है, ठीक है, एक होता है। और बाकी जो है ना, यहाँ से भी जेट होता है पानी का, और यहाँ से भी जेट होता है। तो इसमें फ़र्क, मेन फ़र्क ये है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे साथ जो है ना, इसकी अकसाम है, टर्बाइन क्लासिफिकेशन है। अब यहाँ पे ये डायग्राम अगर आप थोड़ा सा देख ले, इसको समझे, तो आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद रह सकता है, ठीक है। हेड क्लासिफिकेशन है, हाइट जो उसने लिखा है ग्रेटर देन 50 मीटर। तो अगर हमने जो है ना क्या करना है, पानी चढ़ाना है ग्रेटर देन 50 मीटर, 50 मीटर से ज़्यादा, तो उसके लिए हम पिल्टन टर्बाइन इस्तेमाल करेंगे और टर्गो। अब ये इम्पल्स टर्बाइन की किस्म है, ये आगे हम पढ़ते हैं, ठीक है, कि पिल्टन कौन सा होता है और टर्गो क्या है। इसका पूरा नाम जो है पिल्टन व्हील टर्बाइन है, और ये टर्गो टर्बाइन, ये भी कोर्स कंटेंट में दिए गए हैं। तो ये दो चीज़ों के ऊपर हमारा आज का फोकस है, ठीक है, ये चीज़ें हम पढ़ेंगे। और रिएक्शन की इसकी कोई अकसाम नहीं है 50 मीटर के लिए, ग्रेविटी की भी नहीं है। अब मीडियम, अगर 10 से 50 मीटर के दरमियान आपने पानी को करना है, ये तो 50 मीटर से ज़्यादा है, लेकिन ये 10 से 50 मीटर तक अगर पानी को आपने चढ़ाना है, हेड तक चढ़ाना है, तो क्रॉस फ्लो, टर्गो, मल्टी जेट या पिल्टन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये भी दर्ज है, ठीक है। ये रिएक्शन टरबाइन की एक टाइप है, फ्रेंसिस स्पायरल केस, ये टरबाइन भी हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब अगर बिलो 10 है, ये जो है ना, इस निशान का मतलब ये है कि बिलो 10 से बिलो है, यानी 10 ग्रेटर लो, इस साइड पे अगर हो तो ये लो शो करता है, ठीक है, और इस साइड पे अगर हो तो ये ग्रेटर शो करता है। ग्रेटर देन और लेस देन के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो एम्पल्स के लिए हम क्रॉस फ्लो या अंडर शूट या वाटर व्हील हम इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ में जो आपके साथ टरबाइन, रिएक्शन टरबाइन है, उसके लिए प्रोपेलर है, कैपलन है, ये भी कोर्स कंटेंट में दिया गया, ये भी हम पढ़ेंगे। और फ्रेंसिस, ये भी पढ़ेंगे, दो इसके मेन टाइप्स है, ओपन फ्ल्यूम। और साथ में जो है ना, ये मिनट, ये मैं इसको ऑफ करता हूँ, थोड़ा सा वेट कर ले। सॉरी फॉर इंटरप्शन, ये थोड़ा सा मैं कूलर को ऑफ करना था ताकि आपको आवाज़ क्लियर पहुंचे। अच्छा, आवाज़ आ रही है आपको, कोई मसला तो नहीं है? हेलो हेलो, आपको आवाज आ रही है मोहम्मद साकिब? ढेर खराब दर्जी आवाज है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये आवाज़ ख़राब हो जाती है, क्योंकि इंटरनेट का मसला है, तो ये चीज़ है बार। अच्छा, तो ये मैं टरबाइन की अकसाम आपको वो कर रहा था, डिस्कस कर रहा था, तो ये मैंने डिस्कस कर दिया। अब आगे नेक्स्ट जो है हमारे साथ पिल्टन व्हील टरबाइन है। पिल्टन व्हील टरबाइन की आप यूट्यूब पे कई वीडियो भी पड़ी है, तो आप वो भी देख सकते हैं। ये कौन सा टरबाइन है, ये हमारे साथ जो अभी हमने पढ़ लिया, ठीक है, उस टरबाइन की टाइप है। कौन से टरबाइन के, ये हमारे साथ इम्पल्स टरबाइन की टाइप है। पिल्टन और टर्गो, ये दो हम डिस्कस करेंगे इसमें। इम्पल्स इम्पल्स ये इम्पल्स टरबाइन की एक टाइप है, ठीक है। तो पिल्टन व्हील टरबाइन इसको कहा जाता है। पिल्टन व्हील टरबाइन इज फ्री जेट इम्पल्स टरबाइन, ये बिल्कुल इसी तरह है, वही टाइप है, वही चीज़ है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन मामूली सा इसके स्ट्रक्चर में चेंजिंग है, वो अभी हम डिस्कस करेंगे जी। अच्छा, तो एम्पल्स टरबाइन नेम्ड आफ्टर द अमेरिकन इंजीनियर था लेस्टर पिल्टन। ये 1829 और 1908 के दरमियान गुजरा है, ठीक है। तो उसने ये पिल्टन व्हील टरबाइन बनाया था, चूंकि उस इंजीनियर का नाम था पिल्टन, तो इस टरबाइन का नाम भी उसने पिल्टन व्हील टरबाइन रख दिया, ठीक है। इट इज सिंपल एंड द ओनली हाइड्रोलिक टरबाइन विच ऑपरेट्स एफिशिएंटली एंड एज
variably used for the heads and axes of 450 meter, यानी 450 meter head तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं. Smooth running and good performance and other common features of this unit. तो ये कह रहे हैं कि एक अमेरिकन इंजीनियर था जो 1829 और 1908 के दरमियान गुजरा है, तो उसने ये बनाया था. ठीक है, जो एडवांस शेप है किसका है, इम्पल्स टर्बाइन का है, और इसका जो पूरा नाम है वो पिल्टन व्हील टर्बाइन है. बाकी जो इसका स्ट्रक्चर है आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, वही चीज़ें हैं. अभी आपको मैंने एक बात बताई, अगर आपने नोट की होगी कि मैंने बताई कि इम्पल्स टर्बाइन और रिएक्शन टर्बाइन में फ़र्क सिर्फ ये कि इसमें ये जो स्पून होते हैं वो रिएक्शन टर्बाइन, अगर आपसे कोई पूछ ले कि रिएक्शन और इम्पल्स टर्बाइन में क्या फ़र्क है, तो इम्पल्स टर्बाइन में ये जो स्पून होते हैं वो दो होते हैं जो हेमिस्फेरिकल शेप के होते हैं, एक ये है और एक ये है. ठीक है, तो इम्पल्स टर्बाइन की फिल्टर टर्बाइन जो है वो इम्पल्स टर्बाइन की किस्म है, किस्म है, तो इसलिए इसमें भी दो है. और जो रिएक्शन टर्बाइन होता है उसमें सिर्फ एक ही जो है ना ये स्पून होता है. सो मेन फर्क इसमें ये है. ठीक है, तो ये 450 मीटर हाइट के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं, इसकी परफॉर्मेंस भी अच्छी होती है और अदर फीचर्स भी इसके हैं. तो इसके टाइप्स थोड़ा सा पढ़ते हैं, डिटेल पढ़ते हैं क्या क्या है. अब ये है, अब थोड़ा सा मैं आपको क्लियर करता हूँ कि डिस्क्रिप्शन ऑफ फिल्टर इम्पल्स टर्बाइन के कौन कौन से. पहले नंबर पे पिन स्टॉक, इसको हम रीड नहीं करते क्योंकि यही चीज़ें हैं. इट इज़ लार्ज साइज कंड्यूट विच कन्वे वाटर फ्रॉम हाई लेवल रिजर्वायर टू द टर्बाइन. द पिन स्टॉक मे बी ऑफ वुड, कंक्रीट और स्टील. ये पिन स्टॉक कौन सा चीज़ है, पिन स्टॉक जो अभी मैंने आपको बताया कि एक पाइप होता है जो पानी को सप्लाई करता है टर्बाइन तक, इसको पिन स्टॉक कहा जाता है. ठीक है, दूसरा स्पीयर एंड नोजल. स्पीयर भी आपको मैंने बताया कि ये जो है ना रेगुलेशन करता है पानी को, अगर आपने ज़्यादा छोड़ना है तो आप इसको थोड़ा सा पीछे करेंगे, अगर आपने कम छोड़ना है तो उसको आगे करेंगे, ये ब्लॉक हो जाएगा. और इस जगह लास्ट पे जो इस पाइप के बिल्कुल हेड के ऊपर जो नोज़ल लगी होती है जिसका डाया कम होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, नोज़ल कहते हैं. तो वही यही चीज़ें हैं. ठीक है, दोबारा हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे. केसिंग है, केसिंग इसका क्या है, बायर वाला एक होल प्लेट है. ये अगर आप देख ले डायग्राम में थोड़ा सा, ये होल है. ये क्या करता है कि जब इसमें हम क्या पानी जब हम इंटर कर देते हैं तो डेफिनेटली ये जब घूमता है तो अपने साथ ये पानी को क्या करता है, स्प्रेड करता है, पिलाता है. ठीक है, स्प्लैशिंग करता है. तो इससे फिर क्या हो जाता है, ये काफ़ी दूर तक जाता है. तो इससे बचने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी प्रोटेक्शन के लिए हम इसके ऊपर केसिंग लगा देते हैं जिससे ये पानी बाहर नहीं जाता है. तो इसका मकसद ये होता है. ठीक है, ये उसकी बात कर रहा हूँ, केसिंग की बात करूँ. और रनर विथ बकेट, रनर आपकी ये है, ये जो ब्लेड के अंदर ये रोटर है, इसको हम रनर कहते हैं. और बाकी जो दूसरा है के साथ बकेट, तो बकेट आपके साथ ये ब्लेड को बकेट कहा जाता है. ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है ब्रेकिंग जेट. ब्रेकिंग जेट मैंने आपको बता दिया कि अगर आपको पानी एक मशीन है वो चालू है, आपने स्टॉप करना है, तो आप ऊपर से पानी छोड़ेंगे खिलाफ डायरेक्शन में, तो ये स्टॉप हो जाएगा. तो उस पर्पज़ के लिए जो इक्विपमेंट इस्तेमाल किया जाता है उसको क्या कहा जाता है, ब्रेकिंग जेट कहा जाता है. ठीक है, वही चीज़ है. अब नंबर ऑफ बकेट्स, ठीक है, ये डिपेंड करता है नंबर ऑफ बकेट्स हम एक टर्बाइन के ऊपर कितने लगा सकते हैं. तो नंबर ऑफ बकेट्स शुड बी फ्यू एज फिजिबल टू दैट देयर इज अ लिटल लॉस ड्यू टू फ्रिक्शन. जितने कम आपके साथ बकेट होंगे, जितने ब्लेड कम होंगे, बकेट को ब्लेड भी कह सकते हैं, जितने कम ब्लेड होंगे तो उतने ही ज़्यादा फिजिबल होगा वो मशीन, इतना ज़्यादा काम करेगा और इसकी एफिशिएंसी उतनी ज़्यादा होगी. ठीक है, एक मिनट इसको कॉन्टेक्ट में लेते हैं. अच्छा, इसके बाद द जेट ऑफ वाटर मस्ट बी फुली यूटिलाइज्ड सो दैट नो वाटर फ्रॉम द जेट गोज वेस्ट, नो वाटर एस्केप्स विदाउट स्ट्राइकिंग द बकेट्स. अब इसका मतलब ये है, जिस तरह अभी आपको मैंने बताया कि इसका मेन फंक्शन ये. अच्छा, ये कौन बाहर जा रहा है. और अच्छा, तो इसका मेन फंक्शन ये है, थोड़ा सा अगर मैं आपको समझा दूँ कि इसमें जब हम पानी इसके ऊपर स्ट्राइक कर देते तो ये पानी ज़ाया नहीं होता है बल्कि ये नीचे आता है, दोबारा से हम इसको यूटिलाइज कर सकते हैं. ठीक है, तो ये यही पॉइंट कह रहा है कि इसमें कोई भी पानी ज़ाया नहीं होता है. ठीक है, ये अगर आप थोड़ा सा देख ले, ये यहाँ पे ये कह रहा है कि फ्रॉम द जेट गोज वेस्ट फॉर एग्जाम्पल नो वाटर एस्केप्स विदाउट स्ट्राइकिंग द बकेट्स. बकेट्स को जब हम स्ट्राइक कर देते हैं पानी से
तो उसमें जो पानी बाहर आ जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, तो वो ज़ाया नहीं होते, उसको दोबारा हम इस्तेमाल कर सकते हैं। जेट रिशु अगर हमने मालूम करना है तो एम रिप्रेजेंट द जेट रिशु, तो उसको हम किस तरह मालूम कर सकते हैं, वो मालूम कर सकते हैं पिच, सर्कल डायमीटर और जेट डायमीटर। अब पिच सर्कल क्या है और जेट डायमीटर क्या है, ये थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। अच्छा, ये अगर आपको नजर आ रहा है, ये एक ब्लेड है जिसको हम बकेट कहते हैं और ये दूसरा ब्लेड है जिसको हम बकेट कहते हैं। इन दोनों के दरमियान जो स्पेस है ना, इसको हम पिच कहते हैं। इसको हम क्या कहते हैं, पिच या सेंट्रल सेंट्रल डिस्टेंस। और इसका जो डाया है उसको हम कुतर यानी डायमीटर कह सकते हैं। ये इसका डायमीटर है, बकेट का डायमीटर, और ये जो इन बिटवीन डिस्टेंस है इसको हम क्या कहते हैं, पिच। ठीक है, ये चीज़ ये कह रहा था कि आप एक्सप्लेन कर दिए है, जेट रिशू जिसको कहा जाता है। फॉर मैक्सिमम हाइड्रोलिक एफिशिएंसी दी जेट रिशू लाइज बिटवीन 11 to 15, नॉर्मली जेट रिशू ऑफ 12 एज एडॉप्टेड। जेट रिशू कितना होना चाहिए, 11 से 12, 15 के दरमियान होना चाहिए, पर हम अडॉप्ट कितना करते हैं, 12 करते हैं, थोड़ा सा सेफ्टी साइड पे जाते हैं, फैक्टर रखते हैं इसमें। ठीक है, नेक्स्ट हमारे साथ है टर्गो टर्बाइन। टर्गो टर्बाइन किसकी टाइप है, आपको पता होना चाहिए। टर्गो टर्बाइन एम्पल्स टर्बाइन की एक किस्म है। तो एम्पल्स टर्बाइन की कितनी किस्में हमने अभी तक रीड कर दिया। पहला वाला हमने रीड कर दिया, उसको क्या कहा जाता है, एम्पल्स व्हील्स टर्बाइन था, पिल्टन व्हील जिसको कहा जाता था, पिल्टन व्हील टर्बाइन, और दूसरा था टर्गो टर्बाइन। अभी हम डिस्कस जो कर रहे हैं वो टर्गो टर्बाइन डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरी टाइप इसकी जो है, अब क्या है, दी टर्गो टर्बाइन इज एन एम्पल्स वाटर टर्बाइन। ये वही टर्बाइन की एक टाइप है, लेकिन थोड़ा सा चेंज किया गया है, इसकी डिजाइनिंग में चेंजिंग हुआ है। ठीक है, तो डिजाइन फ्रॉम फॉर मीडियम हेड एप्लीकेशन। जो हमारे साथ पिल्टन व्हील टर्बाइन था वो ज्यादा हेड के लिए इस्तेमाल हम कर सकते थे, लेकिन टर्गो टर्बाइन जो है थोड़ा सा लो हेड के लिए हम इस्तेमाल करेंगे। ऑपरेशनल टर्गो टर्बाइन्स अचीव एफिशिएंसीज ऑफ अबाउट 87% इसकी एफिशिएंसी है, यानी 100 में से 87% इसकी एफिशिएंसी है, ये कारामत है। इन फैक्ट्री एंड लैब ये हम कहाँ पे इस्तेमाल करते हैं, ये जो हमारे साथ साइंसी लेबॉरटरीज है, ठीक है, वहाँ पे हम रखते हैं टर्गो टर्बाइन, बल्कि प्रैक्टिकल यूज के लिए हम ज़्यादातर इसको इस्तेमाल नहीं करते। और टर्बाइन्स परफॉर्म दी एफिशिएंसी अप टू 90%, अगर आप इसको लेब में इस्तेमाल करेंगे तो इसकी एफिशिएंसी बढ़ जाएगी, 90% तक पहुंच जाएगी। और इट वर्क्स विद नेट हेड बिटवीन 15 to 300 meter तक ये जो है ना पानी को पहुंचा सकता है। अब मुझे ये बताओ कि टर्गो टर्बाइन जो है ना अच्छा है या पिल्टन व्हील। तो डेफिनेटली पिल्टन व्हील टर्बाइन अच्छा है, क्योंकि उसकी जो हेड थी वो 450 तक अक्रॉस कर रही थी और इसकी जो हेड है वो 300 तक है, तो डेफिनेटली वो अच्छा है। सही है, अब इसकी टर्गो टर्बाइन की वही शेप है, ये वही टर्बाइन है, इसमें कोई डिफरेंस नहीं है। तो ये जनरेटर है, इसकी नोजल इनलेट है और साथ में ये टर्गो रनर है, तो इसको हम रनर भी कह सकते हैं और रोटर भी कह सकते हैं, ये वही चीज़ है। ठीक है, ये मजीद ये डायग्राम है, आप देख सकते हैं इसका। ठीक है, वही चीज़ें वही पार्ट्स है, ये भी इसका है, वही पार्ट्स वही चीज़ें। अब फंक्शन ऑफ पिल्टन व्हील टर्बाइन की क्या फंक्शन है, हम क्यों इस्तेमाल करते हैं, कोई भी चीज़ हम जब इस्तेमाल करते हैं उसका कोई फंक्शन होता है, तो उसका इसका फंक्शन क्या है। पिल्टन टर्बाइन इज टेंजेंशियली फ्लो एम्पल्स टर्बाइन इन विच द प्रेशर एनर्जी ऑफ वाटर इज कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी टू फॉर्म हाई स्पीड वाटर जेट, एंड दिस जेट स्ट्राइक द व्हील टेंजेंशियली टू मेक इट रोटेट, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज पिल्टन व्हील टर्बाइन। इसके कहने का मतलब ये है कि फिल्टन टर्बाइन जो होता है ये पानी छड़कता है किसके ऊपर, स्ट्राइक करता है किसके ऊपर, जो हमारे साथ बकेट होती है या रनर होती है उसके ऊपर, पानी को टेंजेंशियली मामूली तौर पर टच करती है, और टच करने के बाद इसमें प्रेशर एनर्जी, यानी प्रेशर एनर्जी से क्या हो जाता है, प्रेशर एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है, क्योंकि पानी में बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, वही एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है काइनेटिक एनर्जी में, और फिर क्या करते हैं, टू फॉर्म हाई स्पीड वाटर जेट, एंड दिस जेट स्ट्राइक द व्हील टेंजेंशियली टू मेक इट रोटेट। और फिर यही जेट जब बकेट के ऊपर स्ट्राइक कर देते हैं तो जिस इसकी वजह से टेंजेंशियली स्ट्राइक करने के बाद ये जो रनर होती है ये रोटेट होना स्टार्ट हो जाती है। तो इस टाइप की टर्बाइन को हम पिल्टन व्हील भी कह सकते हैं, इसका मतलब ये है। ठीक है, अब इसकी स्पेसिफिक स्पीड क्या है, आपको पता होना चाहिए कि स्पेसिफिक कौन सी स्पीड के लिए हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो स्पेसिफिक स्पीड ऑफ टर्बाइन जो है इज डिफाइन इज द स्पीड ऑफ
geometrically similar turbine which produce a unit power when working under a unit head. ये कह रहा है कि इसकी स्पेसिफिक स्पीड को जो हम नापते हैं वो किस तरह नापते हैं कि कितने कितना एनर्जी को ये प्रोड्यूस कर सकता है यूनिट पावर, यानी यूनिट पावर एक वाट में अगर प्रोड्यूस कर रहा है या जो है ना हॉर्स पावर में प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है, तो उसकी यूनिट पावर और डिवाइड बाय हेड, यूनिट हेड के लिए ये कितना पावर को जो है ना ये इस्तेमाल करता है, यानी कितने हेड तक ये पानी को सप्लाई कर सकता है, ठीक है। अब है बाय ज्योमेट्रिकली सिमिलर मीन्स द टर्बाइन आइडेंटिकल इन शेप्स डायमेंशन ब्लेड्स और एंगल्स एंड गेट ओपनिंग एक्सेट्रा, इट इज डिनोटेड बाय द सिंबल ऑफ NS, इसको हम NS से डिनोट करते हैं, ठीक है। और ये जो है ना आप क्या कर सकते हैं, ये आइडेंटिकल है, शेप के ऊपर डिपेंड करता है, डायमेंशन के ऊपर डिपेंड करता है, ब्लेड के ऊपर डिपेंड करता है, गेट के ऊपर डिपेंड करता है कि अगर इसके साइजेस गेट की साइज बड़ा हो तो डेफिनेटली ज़्यादा पानी जो है ना ये क्या करेगा सप्लाई करेगा, और ज़्यादा पानी सप्लाई करने से क्या करेगा ज़्यादा रोटेट होगा, जब ज़्यादा रोटेट होगा तो इट्स मीन कि यह ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। इसकी डायमेंशन अगर ज़्यादा होगी तो वही बात सिंपल, ब्लेड अगर जो है ना मोटे होंगे या मिसाल के तौर पर बड़े होंगे तो ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो ये इसके नेक्स्ट वो है। अब नेक्स्ट है विच टर्बाइन हैज हाईएस्ट स्पीड के लिए हम इस्तेमाल करते हैं। अब है पेल्टन टर्बाइन, द फार्मूला ऑफ स्पेसिफिक स्पीड फॉर टर्बाइन इज अबव फार्मूला एम्प्लाइज दैट फॉर हायर हेड द स्पेसिफिक स्पीड गेट्स लोअर, दस पेल्टन टर्बाइन विद हायर स्पीड हायर हेड एज अ लोअर स्पेसिफिक स्पीड देन फ्रेंसिस एंड कपलन टर्बाइन्स विच आर मीन टू ऑपरेट ऑन लोअर हेड देन द पेल्टन टर्बाइन। अगर आपने स्पीड की बात करना है तो उसके लिए फिर आपके साथ फ्रेंसिस या कपलन टर्बाइन अच्छा है, लेकिन अगर आपने हेड की बात करना है कि इतने हेड तक पानी को सप्लाई कर ले तो उसके लिए फिर पेल्टन टर्बाइन अच्छा है, ठीक है, ये कह रहा है। आप आगे देख सकते हैं, अच्छा ये एक आ रहा है, ये तो अभी आ रहा है शहजाद खान, शहजाद इस्लाम, हाँ शहजाद इस्लाम आप कहाँ पे थे यार, अब तो अभी पहुंच गए शहजाद इस्लाम, जी सर आप कहाँ पे थे, जी चलो इन्हीं छोड़ दे, खैर टाइम पे आया करे, ठीक है। अच्छा नेक्स्ट हमारे साथ जो है आगे क्या है, नेक्स्ट हमारे साथ जो है वो हाई स्पीड के लिए जो है ना हाई हेड्स के लिए, सॉरी हाई हेड्स के लिए ग्रेटर देन 25 मीटर्स के लिए लोअर और फ्लोस और 0.1 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड, ये डिस्चार्ज की इकाई की बात कर रहे हैं। अगर आपको 25 मीटर तक पानी चढ़ाना है और उसकी डिस्चार्ज 0.01 क्यूबिक मीटर से 0.5 क्यूबिक मीटर पर सेकेंड तक है तो उसके लिए पिल्टन टर्बाइन ओके है। और कपलन टर्बाइन किसके लिए ओके है, अगर आपने 1.5 से 20 मीटर तक पानी चढ़ाना है और स्पीड यानी डिस्चार्ज जो है बहाव वो 3 से 30 क्यूबिक मीटर तक हो तो उसके लिए कपलन टर्बाइन ओके है, ठीक है। तो फ्रेंड ये था आपके साथ जो है ना वीडियो का जो स्लाइड था उसका लास्ट था, तो इसमें कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं मुझसे, तब तक के लिए मैं ये अटेंडेंस को आपकी बराबर करता हूँ, छोड़ना नहीं है ग्रुप को, ठीक है, ताकि ये अटेंडेंस ये गूगल मीट से। अच्छा ये आपको स्क्रीन में नज़र आ रहा है, देखो मैं खुद अभी मैनुअली नहीं ले रहा हूँ, ये देखो अटेंडेंस आपकी लग गई है, आपको नज़र आ रहा है ये चीज़, ये मैं कॉपी करता हूँ, ठीक है, ये कंट्रोल सी और ये मैंने यहाँ पे कहाँ पे है ये मैंने पेस्ट कर दिया, ठीक है, और ये कंट्रोल एस मैंने कर दिया, अच्छा आपकी ये देखो आपकी अटेंडेंस ये लग गई, तो इसमें जो बंदे जिस टाइम के लिए जितने टाइम के लिए वो प्रेजेंट रहे तो इधर ये देखो गिवन है, स्टार्ट टाइम आपने कहाँ से लिया था, ड्यूरेशन कितना है, तो ये सब कुछ ये गूगल मीट में नज़र आता है। तो आप काइंडली कोशिश किया करें, देखो जिस तरह ये शहजाद इस्लाम अभी आ गया, मैं मोहम्मद तैमूर साहब जो है ना
दरमियान में आ गया, तो आप काइंडली कोशिश किया करें कि वक्त पे आया करें। अगर वक्त पे नहीं पहुंचेंगे तो आपकी टाइमिंग इधर मेंशन होगी, तो फिर वो यूनिवर्सिटी वाले आपके साथ जो है ना मसला बना सकते हैं। तो काइंडली कोशिश किया करें कि टाइम पे आया करें, ठीक है। अच्छा, आवाज़ आ रही है मेरी सबको? नादिर शोएब जी, आपकी माइक ऑन है? हाँ जी, यस सर। अच्छा, सलीम बंगश, ठीक। तो आप क्या करें, बस लेक्चर तो फिर ख़त्म हो गया आपके साथ, ठीक है। तो आगे आपका तो कोई क्वेश्चन हो इससे रिलेटेड तो आप कर सकते हैं मुझसे। जी, कोई क्वेश्चन है जनाब? हाँ भाई, कोई एक माइक ऑन कर दे, किसी का कोई क्वेश्चन है? नो सर, नो सर। ओके जी, ठीक है, कमेंट आ रहा है, सही जी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़। ठीक है, फिर नेक्स्ट मीटिंग में मिलते हैं। ओके, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू।